नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्री कैपेसिटर ऑफ कपैसिटी थ्री माइक्रोफेरेड टेन माइक्रोफेरेड एंड फिफ्टीन माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ हंड्रेड वोल्ट सवाल ये द चार्ज ऑन फिफ्टीन माइक्रोफेरेड क्या होएगा तो तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे अपने सीरीज में लगाए हुए हैं एक दो और तीन और उनको हमने किसी वी वोल्ट की बैटरी पर कनेक्ट किया है जिसका हमें वोल्टेज दे रखा है हंड्रेड वोल्ट अब हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो हैं थ्री माइक्रोफेरेड टेन माइक्रोफेरेड और फिफ्टीन माइक्रोफेरेड के uh, इन तीनों के ऊपर क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं तो तीनों के ऊपर चार्ज बराबर आएगा सो इसके ऊपर चार्ज Q Q और Q होएगा जो चार्ज होएगा वो होएगा आपका सी इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी हमें बस सी इक्वलेंट निकालने की ज़रूरत है वी हंड्रेड अपने को पता है सी इक्वलेंट इस केस में जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं कि वन बाय सी इक्वलेंट विल बी इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय फिफ्टीन इसको जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो अपना राइट uh, आंसर right आ जाएगा सो so इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम वन uh, ले सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए सो so यहाँ पे जब हम इसको करेंगे वन फिफ्टी सो ये आ जाएगा फिफ्टी uh, uh, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 15 प्लस 10 तो ये हो गया 50 ये हो गया 75. बाय 150, फिफ्टी वन यानी कि हो गया 1 बाय टू एम्प्लाइज आपका सी इक्वलेंट हो गया 2, यानि कि अपना जो चार्ज है वो हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानि कि 200. हंड्रेड uh, अच्छा जो सी इक्वलेंट आया आपका ये माइक्रो फेरेड में है सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस सिक्स कोलम तो 200 हंड्रेड माइक्रो कोलम वुड बी द राइट आंसर तो देट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस